नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वादिष्ट व्यंजन रसोई में। आज हम आप सबके साथ शेयर करेंगे मूंगफली नमकीन की रेसिपी। ये बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। आप इसे एक बार जरूर बनाएं, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं, सुबह चाय के साथ या शाम को चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में कभी भी इसे आप खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे मूंगफली का नाश्ता। मूंगफली का नाश्ता बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? 2 कटोरी मैदा, घी, मूंगफली, कसूरी मेथी, कलौंजी, नमक। मैदे को हमने बाउल में डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, घी, घी डाल के इसको हम गूंथ लेंगे। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैदे का हम डो तैयार करेंगे। मुट्ठी मेरी बनने लगी है, मोइन मेरा परफेक्ट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके का हमें इसका डो तैयार करना है। इसका डो ज़्यादा हमें हार्ड तैयार नहीं करना है। डो मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए, डो मेरा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर और मसल लेंगे इस तरह से। आटे को अच्छे से हमने मसल लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। इसकी हम ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनाएंगे, इसकी छोटी छोटी ही लोई बनाएंगे। ना ही ज़्यादा छोटी हमें बनानी है, मीडियम साइज़ की हम इसकी लोई बनानी है। इसकी हमने 4 लोइयाँ बनाई हैं। एक लोई हम लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। ऊपर से हम सूखी मैदा लगा देंगे और इसको बेल लेंगे। इसको ज़्यादा मोटा नहीं हमें रखना है, इसको पतला ही बेलेंगे। जैसे हम चपाती बेलते हैं ना उसी तरीके से इसको बेल लेंगे। इस तरह से इसको बेलेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही पतला। इसी तरीके से हम दूसरी लोई बेल लेंगे। अब हम मैदा का पेस्ट तैयार करेंगे। 3 चम्मच हमने इसमें मैदा लिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट मेरा तैयार हो गया। इस तरीके का इसका पेस्ट रखना है। इसका पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। पेस्ट को हम लोई पे चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इस पे हम मूंगफली के दाने को रख देंगे। दानों को हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे
इस तरह से दानों को हमने अच्छे से रख दिया है। अब दूसरी हम लोई लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, चारों तरफ अच्छे से चिपका देंगे। अब हम एक ढक्कन लेंगे और इससे इस तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से सारे दाने हम कट कर लेंगे। सारे दाने हमने कट कर लिए हैं। एक्स्ट्रा मैदा हम हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से सारा नाश्ता हम बना लेंगे। नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इनको हम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हल्का सुनहरा होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। अच्छे से सिक गए, अब हम इनको निकाल लेंगे। सारे इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। नमकीन बनकर मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, चाट मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।